हेलो फूड लवर्स, चलिए आज बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी के लिए सबसे पहले मैंने लिया है गेहूं का आटा और बेसन। मैंने दोनों बराबर क्वांटिटी में लिया है, 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप बेसन। अब इसमें हम लेंगे बारीक कटी हुई प्याज, 1 या 2 हरी मिर्च अपने टेस्ट के आप हिसाब से ले लीजिएगा, अदरक, हल्दी पाउडर, अजवाइन, चिली फ्लेक्स, खड़ी धनिया को कूट के डाला है मैंने, कसूरी मेथी इसको मैंने पहले रोस्ट कर लिया था तवे पे, हरी धनिया की पत्ती, नमक। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम मिला लेंगे हाथ से, फिर धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे 3 से 4 बार में और आटे को अच्छे से नीड कर लेंगे। आज मैं जो है 2 डिफरेंट तरीके से जो है मिस्सी रोटी बनाऊंगी तवे पे। तो चलिए पहला मेथड, इस मेथड में मैं बेलन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। हाथों में मैंने तेल लिया, उसको लोई के ऊपर लगाया और हाथों से धीमे धीमे फैला लिया। अब इसको मैंने पानी लगा के धनिया की पत्ती चिपका दी। चलिए इसको इसकी थिकनेस आप देख लीजिए। अब इसको हम तवे पे डाल देंगे। तवे को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है, थोड़ी देर बाद इसको पलट लेंगे और बस इसको तवे पे इसी तरह पलट के सेक लेंगे। तो लीजिए हमारे फर्स्ट मेथड की मिस्सी रोटी रेडी है। चलिए अब हम बनाते हैं सेकेंड मेथड से। इसमें मैं बेलन का इस्तेमाल करूँगी और देखिए मैंने जो डो बॉल थी उसको जो है डस्ट कर लिया, आटा उसके ऊपर सूखा डाल दिया था और बेलन से नॉर्मली जैसे हम कोई भी रोटी बेलते हैं वैसे बेल लेंगे। ज़रूरत हो तो बीच में आप उस पर सूखा आटा डाल दीजिए। बस जितना थिक मैंने पहले रखी थी उतनी थिक रोटी फिर से बनाएंगे और इसको तवे पे डाल देंगे। अगर आप चाहिए तो इस पर धनिया की पत्ती भी चिपका सकते हैं जैसे मैंने पिछली बार किया था, इस बार मैंने नहीं किया है। और अब हम मैं इसको सीधे जो है फ्लेम पे सेक लेंगे। टेस्ट में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों ही मेथड मैंने इसलिए बताया, जो भी आपको इजी लगे आप यूज कर सकते हैं। मैं जनरली सेकंड मेथड को प्रेफर करती हूँ अपने घर के लिए। लीजिए हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल मिस्सी रोटी रेडी है, अब आप इसे बनाइए और हमें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।